नरेंद्र सिंह के आत्मसंतुलन के बारे में सत्संग चारक ने अपने विजय शासन में से रखा था। उस दृष्टि से देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई थी, विस्फोट हो गया, यह चिंता होना एक स्वाभाविक है क्योंकि अपने संसाधन कितने हैं, सभी लोगों के पेट भरना चाहिए, हाथों को काम देना चाहिए, यह नहीं कर सकते तो जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी, एक एक तरफ ये है। लेकिन लोगों के जनसंख्या से देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक का इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10-20-50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया? तो जैसे दुनिया में कुछ देशों में यह अनुभव में आया, जापान में, चीन में वगैरह, तो हमारे देश ऐसे होना नहीं चाहिए। हर परिवार में बच्चों के सही विकास होने के लिए वह भी आवश्यक है कि वातावरण ऐसे बने, तो इसलिए छोटे बच्चों के संस्कार केवल स्कूल में देने से नहीं होगा, वो तो होना ही होता ही है, लेकिन घर में भी ऐसे संस्कार देना चाहिए। तो आसपास में गली में मोहल्ले में 10-20-25 बच्चे एक साथ ऐसे कर रहे हैं तो देखने से भी आनंद होता है और उनके स्वभाव में भी उसका स्वाभाविक रूप से असर होता है। तो इन दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई, पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई, भारत के विभाजन भी हुआ, जुड़ा भी हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके, तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। इन बातों को जो विजयदशमी भाषण में सत्संग चालक ने स्पर्श किया था उसके आधार पर करणीय बातों के संदर्भ में यहाँ विचार हुआ, इसलिए अपने यहाँ समाज में इसके प्रबोधन होना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, इसलिए साथ साथ पर स्थानीय लोग मिलकर इस विषय में जानकारी अधिक दे और देश में एक समग्रता से एकाग्रता से सभी को लागू होने वाले जनसंख्या नीति बने, ऐसे जो बात की गया था उसकी भी हमने यहाँ चर्चा की है।